गाइस, वेलकम टू चैनल। तो गाइस, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं एवेंजर मूवी के विजन कैरेक्टर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और गाइस, इसे हम ग्रिड मेथड से ड्रॉ करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग अभी भी ग्रिड मेथड से किसी भी आउटलाइन को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो इस टॉपिक पर मैं पहले ही दो वीडियोज़ बना चुका हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो। और गाइस, उन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और आप काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे। और गाइस, आने वाली वीडियोस में मैं आपको शेडिंग ट्यूटोरियल भी आपके लिए लाने वाला हूँ, तो आप लोग किस तरीके से सेट करेंगे, तो जल्दी ही इस तरीके की वीडियोस भी आने वाली हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा। और साथ ही गाइस, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ड्राइंग से रिगार्डिंग और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इतना ही कहना चाहूँगा गाइस। तो चलो, हम जल्दी से पेपर में ग्रिड बना लेता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ग्रिड रेडी हो चुका है और गाइस, आपने अब ड्रॉ करना है, काफ़ी अच्छा ड्रॉ करना है आपने। तो गाइस, आपको उसके लिए क्या करना होगा, अब कहीं पर भी आपने जैसे रेफरेंस बुक का ग्रिड बना लिया है और आपने अपने पेपर में भी ग्रिड बना लिया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब किसी जहाँ पर से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं गाइस, तो वहाँ से उस बॉक्स को आपने क्या करना है, अच्छे से देखना, जो हमारा ग्रिड में बॉक्स बना है उस बॉक्स को आपने अच्छे से मेज़र करके देखना है कि किस तरीके से उसमें लाइन चल रही है। यदि आप वैसे भी मेजर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप स्केल से मेज़र कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि स्केल से आपको पता लग जाएगा कि अंदर कितना सेंटीमीटर का हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। और इसमें मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप मेन ड्रॉ में किस तरीके से आप फोकस करेंगे, तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। तो मैं आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलो, इसमें इतना ही कहना चाहूँगा और आप लोग वीडियो को इन्जॉय करो और आप भी बहुत अच्छा ड्रॉ करो।